हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, चाय सबने पी ली है सुबह की, और मैं पीऊँगी अभी गर्म पानी। मम्मी गई है नहाने, फिर उसके बाद मम्मी करेगी पूजा, मैं करती हूँ बाकी का काम, फिर मिलते हैं आपसे। और हम यहाँ बैठ के पियेंगे गर्म पानी। और ये देखिए, हमारे ठाकुर जी भी उठ गए हैं, अब इनका भी स्नान होगा, उसके बाद इनको भी रेडी करेंगे। यहाँ के आ चुकी हूँ और मैंने यहाँ पे चाय रखी है अभी सबके लिए। और बाहर आ गया दूध वाला, तो अभी दूध भी लेना है, उसके बाद दूध गर्म करना है, तो भी हम सबको भी चाय देंगे, फिर दूध लेके दूध गर्म करेंगे। मम्मी की पूजा हो गई है, अब हम आपको अपने कानों से भी मिलवाएंगे। तो यहाँ पे दूध आ गया था और मैं दूध के लिए बर्तन ढूंढ रही थी नीचे, फिर मुझे दूध का डिब्बा मिल गया, उसमें मैं दूध डाल के गर्म करने रख दूंगी। और एक तरफ मेरी चाय हो रही थी और पीछे मैं मम्मी से बातें भी कर रही थी। मम्मी आ गई थी पूजा करके। अब मैं दूध में थोड़ा पानी भी डाल दूंगी, बोतल में लगा रह जाता है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ दूध में। उसके बाद मैं दूसरा डब्बा, क्योंकि मायरा के लिए गाय का दूध है तो वो अलग गर्म करते हैं और ये भैंस का दूध अलग गर्म करते हैं, तो ये मैं गैस पे रख दूंगी। मैंने गैस चला दी है और पीछे मैं मम्मी से कुछ बातें भी कर रही थी। ये देखिए, अब मम्मी भी आ गई थी पूजा करके, सूर्य को जल चढ़ा के आ गई थी मम्मी। उसके बाद मैं मायरा का दूध गर्म कर रही जय थी। श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो? ठीक हो? काम करते हैं आप? यहाँ मेरी चाय बन के हो गई थी तैयार, ये अभी मैं आपको अपने कानों से मिलवाती हूँ। ये देखिए, कानू रेडी हो गया है नहा के, ये छोटे वाले भी, अब ये भोग लग। ये देखो, इसके पापा नहा रहे हैं तो ये बाहर खड़ी होकर रो रही है। इसको पता चल चुका है कि पापा अब कहीं जाएंगे, तो ये पहले खड़ी होगी है बाहर। हम रेडी हो चुके हैं, हमें बुलाया है आंगनवाड़ी में, आज वहाँ पे मीटिंग है तो हम अभी वहाँ जा रहे हैं, और मायरा को भी आंगनवाड़ी छोड़ के आएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं आंगनवाड़ी, और देख तो ये हम पहुंच गए आंगनवाड़ी में। देखिए कितने बच्चे हैं यहाँ पे, और लेडीज भी बहुत ज्यादा हैं। देखिए हम भी यहाँ पे मीटिंग में आए हैं, मीटिंग हो रही थी, मीटिंग हो चुकी है। ये हमारे पड़ोस में रहती है, ये कपड़े सिलती है और बहुत अच्छे कपड़े सिलती है और कम सिलाई लेती है, और जिसने भी सिलवाने हो ये हमसे संपर्क करना, हम आपको सिलवाएंगे। हेलो, हाय, संपर्क करना मेरे से कपड़े सिलाने के लिए, कम सिलाई है। क्रॉस करने के बाद हम चलते हैं अभी चाची के घर, देखते हैं उनका काम कितना हो गया है। जा रहे थे हम घर, चाची किचन कंप्लीट हो गया है। हम आ गए थे आंगनवाड़ी से घर। अब देखो मोंगू को आ रही है नींद,
इसको दूध दे के फिर सुलाते हैं इसको, फिर अपना बाकी का काम करते हैं। हमको क्या करना है, सबको प्लैंकिच कर दो। वो तो देख लेगी जो पहले शुरू में कह रही थी ना, प्लैंकिच। बाय करो, सबको बाय कर दो। मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। थैंक यू। ये हमारा बच्चा ना मस्ती कर रहा है, अभी मस्ती के मूड में है ये हमारा बच्चा। बोलो थैंक यू। इसकी मम्मा भी काम कर रही है और फिर ये दंगा कर रही है। ये बैठी है यहाँ पे मेरे पास, ये दंगा करने में लगी है, परेशान करती है। अभी सो के उठी है बस, फिर ये कहती है बाहर लेके चलो मेरे को, बाहर लेके चलो, बाहर लेके चलो, साइकिल की तरफ इशारा करती है ये। फिर बाहर जाने के लिए करती है, साइकिल की तरफ इशारा करती है कि मेरे को साइकिल में लेके चलो, मैं साइकिल में जाऊंगी, मैं साइकिल में जाऊंगी, है ना। साइकिल में घूमी घूमी करने जाएगा बच्चा, जाएगा ना, जाएगा घूमी घूमी करने जाता है ये बच्चा। थी देखिए गीले बालों में ठंड लग रही थी, तो मैंने सोचा ड्राई ही कर लेती हूँ बालों को। उस टाइम मैंने सर धोया था क्योंकि सुबह मौसम ख़राब हो रहा था, तो मैं सर नहीं धो पाई थी, इसलिए मैंने शाम को सर धो लिया था अपना। ये देखो ये मेरी बहू क्या कर रही है, ये ऐसे ही मेकअप करती रहती है और कभी नेल पेंट लगाती है, कभी कुछ करती रहती है। बस सजने संवरने का शौक है इसको बहुत ज़्यादा, तो ये बस ये काम करती रहती है। अब देखो ये कर रही है और ये बेबी हमारा, बेबी मेरे को बता रहा है कौन से कलर की नेल पेंट। हाँ कौन सी लगाएगी मम्मा, ये बेबी ने रखी है नेल पेंट, बताओ कौन सी लगानी है मम्मा ने। उसको तो बस जय करनी है, उसने कानू को बस जय करनी है उसको ने। देखो यहाँ मायरा लगी थी शरारते करने, ड्रायर छेड़ रही थी बार बार, मम्मी उसको मना कर रही थी माँ छेड़ माँ छेड़, लेकिन मान नहीं रही थी वो। देखो लगी है खेलने ड्रायर के साथ। जाओ जाओ ले 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 पिंकी, आ जाओ मेरे पास आओ, बाय भी तो करनी है ना, बाय करनी है ना, आओ बाय करनी है, जाओ बाय करो, अंदर बैठ के बाय कर लो पहले। तो मैंने यहाँ मायरा को बिठा के और उसके लिए टीवी चला दिया था, उसके बाद मैं उसका कार्टून वाला चैनल लगा दूंगी जो चैनल वो देखती है। तो अभी चुपचाप बैठी है ना, वरना वो परेशान कर रही थी, तो बैठी है वो अभी कार्टून देखने, मैंने उसके कार्टून लगा दिए। तो मैं मायरा के लिए कार्टून लगा रही थी क्योंकि ये मम्मी को पूजा करने नहीं दे रही थी और ये परेशान कर रही थी, वहाँ पूजा करने नहीं देती है, सारा सामान फैला देती है। तो अभी करते हैं हम रात के खाने की तैयारी। आटा मैंने निकाल दिया है फ्रिज में से, फुलके बनाने हैं, दाल रखी है बनी हुई, दिन में बनाई थी वही चल जाएगी, और बर्तन धोने हैं अभी बस, फिर खाएंगे। मम्मी के व्रत है तो एक दिन पहले ही मम्मी प्याज लहसुन वाला नहीं खाती, कल है एकादशी का व्रत है, और इसलिए वो चाय के साथ नमक वाला परांठा खा लेगी या फिर रोटी खाएगी अचार के साथ जो भी है। और कल हमें
शादी में भी जाना है एक जगह, वहाँ पे भी हम आपको मिलवाएंगे सबसे। और वहाँ पे मिलेंगी मामी जी, छोटी मामी और नाना जी और उनके बच्चे वगैरह सब मिलेंगे वहाँ पे कल। मामी जी और कुछ तो आप जानते ही होंगे, वो मिले थे हमारे फर्स्ट ब्लॉग में। हाँ तो हम उनको फिर से मिलवाएंगे आपसे कल। यहाँ पे चल रहा था देखो, मायरा के लिए मैंने कार्टून लगाया था और ये देखो मायरा यहाँ बैठ के देख रही थी कार्टून। एक जगह नहीं बैठती है चैन से, अभी देखो यहाँ से उतर के फिर चली जाएगी कहीं पे भी। अभी मैंने दोनों डोर बंद किए हुए हैं इसलिए बाहर नहीं जा सकती, तो अंदर ही अंदर अभी किचन में जाएगी, वहाँ सारे बर्तन फैला देगी, बॉटल्स वगैरह सब फैला देगी, फिर वो इकट्ठी करनी पड़ती हैं। बहुत शरारत करती है बहुत ज़्यादा। तो कल हमें जाना है शादी में, और मैं दिन में लगा रही थी नेल पेंट और मायरा ने मेरी नेल पेंट ही तोड़ दी। देखो मैं एक ही फिंगर में लगा पाई नेल पेंट और बाकी मायरा ने मेरी नेल पेंट ही तोड़ दी न्यू। तो मैं अब कल सुबह ही लगाऊंगी क्योंकि फिर ये ख़राब कर दे, तो अब मैं दोबारा से लगाऊंगी क्योंकि वो बार बार रिमूव करनी पड़ती है फिर लगानी पड़ती है। इसलिए अब मैंने सोचा मैं जब कल शादी में जाऊंगी तो मैं सुबह ही लगा लूंगी नेल पेंट, वरना तो ये अब देखो ये अपने शूज़ लेके आ गई कहीं से, बस यही काम रहता है इसका दिन भर, एक उस बेड पे पड़ा होगा, एक उस बेड पे, एक यहाँ पे, चारों तरफ फैले रहते हैं इसके शूज। दिखा रही है देखो आपको, दिखा रही है, दिखा दो, ये दिखाओ, आ गई हो, आ गई के दिखा दो। अच्छा अच्छा, सबको फ्लैंकिश कर दो, फ्लैंकिश करो सबको, फ्लैंकिश कर दो सबको। अब लो राधा रानी की, सबको राधे राधे कर दो, राधे राधे, जय जय। बोल मेरी मम्मा को लाइक करो, मेरी मम्मा को लाइक करो। अच्छा पप्पी कर दो सबको, तो ये ऐसी शैतानियाँ करती रहती है इसलिए पूरे दिन का पता ही नहीं चलता हमें कि पूरा दिन कैसे हमारा गुजर जाता है, है ना, पता नहीं चलता ना, ऐसी शैतानियाँ करती रहती है, बस इसके साथ मन लगा रहता है हमारा, कभी सीढ़ियों पर बैठ, कभी गेट पे खड़े हो, कभी किचन में सारे बर्तन गिरा देती है, कभी कुछ यही चलता रहता है इसका पूरा दिन बस। और गेट से बाहर कोई जाता है तो रोने लग जाती है फिर। ब्लॉग का हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बाय बाय।